हेलो एवरीवन, आज मैं नवरात्र स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं सिंघाड़े के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी रहते हैं। आप एक बार बना के रख लीजिए फर्स्ट नवरात्र में और आराम से पूरी नवरात्र लड्डू खाएं। 2 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 कप शुगर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं क्रश किए हुए, और घी ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसे गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। अब घी हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए इसमें हम सिंघाड़े का आटा ऐड कर लेंगे और इसे स्लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। घी हमें कम लग रहा है तो इसमें हम 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर लेंगे। अब हम इसे गैस की स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। जब ये घी के साथ रोस्ट होता है सिंघाड़े का आटा, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डालकर इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब सिंघाड़े का आटा रोस्ट हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है। हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का गर्म रखना है मिक्सर को। अब हम इसमें शुगर पाउडर और घी ऐड कर लेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए घी यूज किया है। अगर आपको घी नहीं पसंद है ज़्यादा, तो आप इसमें चाशनी डालकर उसके लड्डू बना सकते हैं। तो मिक्सर हमारा रेडी हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा लड्डू इसका बनेगा कि नहीं। अभी लड्डू सही से बन नहीं पा रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छे से, और अब हम इसका लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए, हमारा लड्डू बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे।